ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक राशिफल बता रहे हैं। ये राशिफल है दिनांक 9 मई 2021, श्री विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, दिन रविवार। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कि आज शाम 7:32 तक रहेगी। तदोपरांत चतुर्दशी तिथि रहेगी और नक्षत्राय रेवती रहेगा, जो कि शाम के 5:29 तक रहेगा। तदोपरांत अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रदेव आज मीन राशि में शाम के 5:29 तक विचरण करेंगे। तत्पश्चात मेष राशि में उनका गोचर होगा और आज का भी जीत मुहूर्त रहेगा, अर्थात कि आज का शुभ समय ठीक दिन के 11:50 से यह समय आज प्रारंभ होकर दिन के 12:45 तक ये अवधि रहेगी। तो इस समय आप चाहें तो किसी भी शुभ मंगल कार्य को कर सकते हैं, लेकिन शुभ के साथ साथ अशुभ समय का भी ध्यान जरूर रखिएगा, यानी कि आज के राहु काल के समय का। और ये समय आज ठीक शाम के 5:20 से ये समय आज प्रारंभ होकर शाम के 7 तक ये समय रहेगा। तो इस समय का आप ध्यान रखते हुए किसी भी शुभ मंगल कार्य को ना करें, राहु काल का समय अशुभ समय माना गया है। तो मेष से लेके मीन राशि वालों, क्या कहती है आज आपकी राशि, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, और आज आपको ऐसा क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सके। इसी क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में है। आज आपको अपनी नियमित सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। स्थितियों को आपको अपने अनुरूप करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आज आपके अपने पिता और अपने उचित गारियों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए जहां तक हो सके शांत रहिएगा, थोड़ा सावधान भी रहिएगा। कोई नई भावनात्मक शुरुआत होने की भी संभावना बन रही है। आज आप ऐसे ही काम शुरू करिएगा जो जल्दी से पूरे हो जाएं। आज आपके मन में कुछ बड़े और अच्छे विचार भी आ सकते हैं। भरोसेमंद लोगों से समय पर आपको सही सलाह और मदद भी मिल सकती है। आप अपनी प्रतिभा दिखाने में भी सफल हो सकते हैं। पढ़ने और कुछ नया करने में भी आज आपकी रुचि रह सकती है। बिजनेस या नौकरी के काम से आपकी आज यात्रा भी हो सकती है। राजनीतिक कार्यों की तरफ भी आज आपका रुझान हो सकता है, पर आज आपको कोई बात थोड़ा परेशान भी कर सकती है। किसी आसान से काम के लिए आज आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, पर आज आपके सभी काम बन जाएंगे। दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिलेगा। अचानक कोई खास काम आपको करना भी पड़ सकता है। परिवार की जरूरतों और कामकाज के लिए आपको काफी समय भी देना पड़ सकता है। प्रेमी से आज आप अपने मन की बात भी कह सकते हैं। अधिकारी भी आपसे खुश हो सकते हैं। धन के लिए भी दिन खास रह सकता है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आज के योग ये भी दर्शा रहे हैं कि कुछ खास मामलों में आपकी नादानी या लापरवाही के कारण नुकसान हो सकता है, और साथ ही मन में कोई लगातार बात चलती रह सकती है, जिस कारण आज परिवार में मनमुटाव का वातावरण भी बन सकता है। तो इसलिए आज आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा, मन में नकारात्मक विचार ना आने दीजिएगा, खुद को खुश रखने की कोशिश करिएगा। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखिएगा, दिन सकारात्मक बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। साथी के असंतुलित रवैये से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब कार्य क्षेत्र में साथी को बुरा बोलने के बाद आज आपको पछतावा हो सकता है, इसलिए अपने बड़ों के साथ आप अच्छा व्यवहार करिएगा। आपको आज आपकी मेहनत के परिणाम भी मिलेंगे, जिनसे आप खुश भी रहेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को कम मेहनत की अपेक्षा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब गले में दर्द और मुंह के रोग होने की वजह से आप थोड़े बहुत परेशान रहेंगे, तो इसलिए आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, सचेत रहें। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी ब्राह्मण को
शहद या पपीता दान दें। अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, आज के दिन आप तन मन से स्वस्थ रहेंगे। आपकी अतिरिक्त सृजनात्मकता नया स्वरूप भी प्रदान कर सकेगी। साहित्य लेखन में नए प्रदान आप कर पाएंगे। प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात भी सुखद रहेगी। संतान की प्रगति का आपको समाचार मिल सकता है। आध्यात्मिक वृत्ति भी आज बढ़ सकती है। किसी खास काम में आप अपने साथ के लोगों से भी आगे निकल सकते हैं। किस्मत से पूरा होता हुआ काम आपको खुशियां दे सकता है। सफलता का पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। आपको अनजाना सहयोग मिल सकता है। आज आप कई लोगों की मदद भी करेंगे, दूसरों से मीठा भी बोलेंगे। आपको जिम्मेदारियों का एहसास होगा और आप उन्हें अच्छी तरह से निभा भी लेंगे। आसपास के लोगों से आप सहानुभूति भी रखेंगे। लोग भी आपसे काफी खुश रहेंगे। कुछ जरूरी मामलों पर आपको गंभीरता से विचार भी करना होगा। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से भी हो सकती है। अचानक कोई यात्रा का कार्यक्रम भी बन सकता है। आज आपको कुछ नया अनुभव भी हासिल हो सकते हैं। धनार्जन भी आपके लिए काफी सहज ही रहेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, जब कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जोश में आकर ना करिएगा। और साथ ही अगर आपने छुट्टी मनाने के लिए कोई पहले से कोई योजना बना रखी है तो आज अचानक सौंपे गए कामों के कारण आपको उस योजना में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ सकता है। लिहाजा आप मन से पहले से ही तैयार रहिएगा और कोई भी वादा किसी से ना करिएगा। और जरूरी हो तो कोई वैकल्पिक योजना भी तैयार ही रखिएगा। बस इतनी सी बात का आज आप ध्यान रखिएगा, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी। दिन भी खुशनुमा रहेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं की कदर करेगा। दंपत्य जीवन और मजबूत होगा। प्रेम बढ़ेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब कार्य क्षेत्र में आज आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा, लेकिन खुद के दम पर आप महत्वपूर्ण काम निपटा ही लेंगे। शेयर मार्केट से भी आपको फायदा होने के योग बन रहे हैं। बस हड़बड़ी में कोई फैसला ना करिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपको हल्का सा सिर दर्द हो सकता है। लापरवाही से यह समस्या गंभीर हो सकती है, इसलिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। समय निकालकर आराम जरूर करिएगा। यही आज आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप एक बढ़के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सहज सुखद है, बल्कि थोड़ा शांति है। आप में से कई लोग आज का दिन बहुत शांति से बिताएंगे। जीवन की रोजमर्रा की भागदौड़ से आज आपको थोड़ा अवकाश मिलेगा। आपको आज का दिन काफी सकारात्मक लगेगा, क्योंकि आप अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से पूरा करने में सफल रहेंगे। आज आप अपने ही कुछ पुराने मित्रों के साथ मिलकर अपने भविष्य की, खासतौर पर नौकरी धंधे के क्षेत्र की प्रगति की कुछ उपयोगी योजनाएं तैयार कर सकते हैं। नए विचार और नए ऑफर भी आज आपको मिल सकते हैं। जो भी काम है वह समय से पूरे हो सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने से फायदा होगा। धन लाभ के भी योग हैं। परिवार की ओर से पूरा समर्थन मिलेगा। सोचे हुए काम निपटाने के लिहाज से भी दिन अच्छा रहेगा, इसलिए आप अपने सभी विकल्पों पर विचार करें। साथ के लोगों के साथ कोई खास प्लानिंग भी हो सकती है। किसी भी स्थान पर खुद को अच्छे से आप प्रेजेंट भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य भी आज आपका अच्छा ही रहेगा। आपके प्रतिस्पर्धियों की चाल भी निष्फल ही रहेगी। दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक पर जाने का कोई प्लान भी बना सकते हैं। परिवारजनों के साथ भी समय बीतेगा। घर में खुशियों का आगमन होगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज आप झूठे वादों और झूठी तारीफों के कारण उलझन में पड़ सकते हैं। और साथ ही लेन देन में हानि की संभावना दिख रही है, इसलिए जल्दबाजी ना करिएगा। पैसों के मामले को लेकर जोखिम ना उठाइएगा। बस इतनी सी बात का आज आप ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। इस पल को आप काफी एंजॉय भी करेंगे। करियर के नजरिए से बात करें तो निवेश के लिए आज का समय अच्छा नहीं दिख रहा।
किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए आज के दिन तो आप निवेश ना ही करें। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों से आपको मदद मिल सकती है। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत में आज आपके उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए आप इसे गंभीरता से लीजिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी परेशानियों को अनदेखा ना करिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप भोजन में से एक रोटी गाय के लिए निकालें। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंद्रमा भाग्य भाव में है, ग्रह गोचर पक्ष में होने से आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आपको ताजगी महसूस होगी, काम के प्रति ऊर्जा बनी रहेगी। जिस भी काम को आप करना चाहेंगे वो जरूर पूरा हो जाएगा। आज धन लाभ के भी पूरे योग हैं। नया बिजनेस, पार्टनरशिप और रोमांस के लिए भी दिन काफी अच्छा है। आज आप में से कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। आज आपकी तारीफ हो सकती है, लेकिन आज आपका मन गहरे धार्मिक आध्यात्मिक विचारों में धंसा फंसा रह सकता है। इन विचारों में आप अपने बिजनेस और करियर के मामलों को लेकर उत्साहित भी हो सकते हैं। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। सकारात्मक सोच आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा होने से आपको किस्मत का साथ भी मिल जाएगा और काम भी पूरे हो ही जाएंगे। नौकरी, बिजनेस और करियर के मामलों में आगे बढ़ने का भी समय अच्छा है। आपकी पहचान और हैसियत बढ़ सकती है। आप अपने काम की योजना बनाकर काम भी पूरे कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपके लिए सुखद रहेगा। धार्मिक या मांगलिक अवसरों पर उपस्थित होने का कोई मौका मिल सकता है। किसी काम को पूरा करने में दोस्त की मदद भी मिल सकती है। आप खुद को तंदुरुस्त भी महसूस करेंगे। लमेट्स भी कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। दिन आपका अच्छा गुजरेगा, बस मेहनत से काम करते जाइएगा। आपको सुखद परिणाम हासिल होंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप कोई भी कदम उठाने और कोई भी बात कहने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर करिएगा। और यदि कोशिशों में थोड़ी भी कमी रही तो आपके काम भी अधूरे रह सकते हैं, तो इसलिए आज आप अपनी कोशिश में कमी ना छोड़िएगा। और साथ ही गलत समय और गलत स्थान पर अपना उत्साह ना दिखाइएगा, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बस इतनी सी बातों का आज आप ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब पार्टनर अलग अलग ढंग से प्रेम जताएंगे। दिन अच्छे से बीतेगा। पार्टनर के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। इनकम बढ़ सकती है। दंपत्य जीवन भी मधुर बना रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो अब करियर के मामले में दिन फायदे वाला रह सकता है। किसी अनजान स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है। आपके कहीं रुके हुए काम पूरे होंगे। सहकर्मीगण भी मददगार रहेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है, पर कॉमर्स के फील्ड के स्टूडेंट्स को आज ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप काफी रिलैक्स भी महसूस करेंगे। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप सतनाजे की रोटी बनाकर पक्षियों में डालें। अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज हाथ में लिए हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर आप हताशा का अनुभव करेंगे। कार्य सफलता में थोड़ा विलंब होगा। किसी बात या स्थिति के कारण आप थोड़ा बेचैन भी हो सकते हैं। चंद्रमा गोचर कुंडली के आठवें भाव में है, इससे आप परेशान हो सकते हैं। अचानक नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिएगा। परिवार के लोगों से बहस हो सकती है। कोई गलत काम आपने नहीं किया है, फिर भी आप पर आरोप लग सकता है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। और आप अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य ना रखिएगा, अपनी नियमित दिनचर्या को ही संभालिएगा। आज सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आपको अपना दृष्टिकोण लचीला बनाए रखना आवश्यक रहेगा। मन में कमजोरी, हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय आज का उचित नहीं रहेगा। यात्रा में भी आज विघ्न आ सकते हैं, इसलिए यात्रा का कार्यक्रम बनाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। और खासतौर पर वाहन मशीनरी तथा अग्नि के प्रयोग में विशेष सावधानी रखिएगा। अपनी क्रोध और उत्तेजना पर भी काबू रखिएगा, अन्यथा आप किसी उलझन में फंस सकते हैं। खासतौर पर दूसरों की बातों में ना आइएगा, विवेक और धैर्य से काम करिएगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप स्वयं पर और अपनी उम्मीदों पर विश्वास बनाए रखें और थोड़ा सा सावधान रहें। और इस बात का प्रयास करें कि आप बिल्कुल कम बोलें और काम निपटाएं और सीधा घर को आ जाएं। यही आज आपके हित में रहेगा।
लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब पार्टनर को भावनाएं जताने का आप मौका दीजिए, पार्टनर से सुख मिलेगा और दिन यादगार भी बनेगा। इसलिए पार्टनर की रुचि को समझने की आप कोशिश करें, यही आपके हित में है। करियर के नजरिए से बात करें तो रूटीन कामों से आज आपको फायदा और धन लाभ कम ही होगा, पर नए पार्टनर मिल सकते हैं, बिजनेस के सिलसिले में कोई यात्रा हो सकती है, कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, आप प्रसन्न भी रहेंगे। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आपकी सेहत में मामूली गिरावट आ सकती है, आपको हल्का सा कमर में दर्द हो सकता है, अर्थात कि आपको कमर दर्द से जूझना पड़ सकता है, इसलिए इसके प्रति सचेत रहिएगा। अत्यधिक वजनदार सामान उठाने से बचिएगा और बहुत देर तक काम न करिएगा, बीच बीच में आराम भी करते रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी भी मंदिर के दरवाजे पर हल्दी और चंदन से स्वस्तिक बनाइए। अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक है, आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, लेकिन आत्मनियंत्रण थोड़ा कम ही रहेगा। आपने जो भी योजनाएं बनाई हुई हैं, आप उसे जल्दी से जल्दी लागू करने के पक्ष में रहेंगे। मन की बातें कहने और दूसरों से बातें करने में भी आपको पूरी रुचि रहेगी, बीती बातें भी मन में चलती रहेंगी, यात्रा की योजना बन सकती है, दूसरों की मदद भी करनी होगी, कुछ खास मामलों को लेकर आपकी थोड़ी बहुत परेशानी भी बढ़ सकती है। आज कोई नई बात या कोई छुपी हुई बात आप पता लगाने में सफल हो सकते हैं, मनोरंजन का मौका मिल सकता है, मेहमानों और मित्रों के साथ पार्टी पिकनिक और समूह भोजन का आयोजन हो सकता है, नए कपड़े गहने और वाहन खरीदने का योग दिख रहा है, मन में आनंद भी व्याप्त रहेगा, विपरीत लिंग के लोगों की तरफ आकर्षण का आप अनुभव करेंगे, सार्वजनिक जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा और लोकप्रियता भी बनेगी, व्यापार में भागीदारी से लाभ हो सकता है, दंपत्य सुख की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आज का दिन प्रसन्नतादायक और सफूर्ति से बीतेगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप इधर उधर भागदौड़ में ज्यादा जल्दबाजी ना करें, जो काम आप आमतौर पर बहुत आसानी से करते आ रहे हैं उसमें भी जल्दबाजी से बचकर रहें, और साथ ही आज आप अपनी गति पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें, चाहे आप वाहन चला रहे हों या कोई काम कर रहे हों या फिर कोई फैसला ही क्यों ना ले रहे हों, तो इसलिए आज आप इन पर नियंत्रण रखिए। बस इतनी सी छोटी बातों का ध्यान रखिए, दिन आज आपका काफी उत्तम बीतेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अगर आप ब्रेकअप करने की सोच रहे हैं और आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से परेशान हैं, तो आज आप जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना लें, यह आपके लिए आज के दिन नुकसानदायी रहेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, शेयर बाजार से आपको लाभ हो सकता है, रूटीन कामों से फायदा और धन लाभ भी हो सकता है, कुछ अच्छे अवसर भी मिलेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी काफी खुश रहेंगे, आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर फिर भी आप एक्सरसाइज करना ना भूलिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, अच्छी नींद लेने की कोशिश करिएगा, यही आज आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गाय के घी का दीपक घर में जलाइए। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं के साथ तैयार रहना पड़ेगा, आज आप मन से थोड़ा हैरान परेशान और बेचैन बने रहेंगे, आज आपको अपने नियमित कामकाज में, वाहन चलाने में, ग्रह गृहस्थी के मामलों में भी थोड़ी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी, इसलिए आज आप कोई बड़ा निर्णय ना लीजिएगा, मन में आपका अज्ञात भय, चिंता और संदेह भरी भावनाएं रह सकती हैं, जो आपका दिन भर थोड़ा परेशान भी बनाए रखेंगी, ज्यादा संवेदनशीलता के कारण भी आप थोड़ा परेशान ही रहेंगे, इसलिए छिटपुट विवाद या गलतफहमी खुद पर हावी ना होने दीजिएगा। आज आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है, कोई काम ना हो तो उसे छोड़ ही दीजिएगा, चंद्रमा के कारण मानसिक परेशानी भी बढ़ सकती है, जो काम आपको पसंद नहीं है उसे आप बिल्कुल भी ना करिएगा, अपनी निजी जरूरतों के प्रति भी थोड़ा सावधान रहिएगा, किसी भी मामले में कोई सुधार या बदलाव करने की कोशिश आज के दिन आप ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसों का तनाव चलता रहेगा, माता के साथ भी संबंधों में तनाव खड़ा हो सकता है या फिर उनकी तबीयत खराब हो सकती है,
स्वजनों के साथ भी उग्र वाद विवाद से मनमुटाव रह सकता है, इसलिए स्वाभिमान भंग ना हो जाए उसका ख्याल जरूर रखिएगा। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िएगा। अपनी कोशिशों से ही आप अपने लिए नए मौके निकाल सकते हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखना होगा और साथ ही अपने जिद और आवेश पर भी नियंत्रण रखिएगा। यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब आज किसी खास व्यक्ति के लिए आपके मन में रोमांटिक विचार रहेंगे, और जो लोग पहले से ही संबंधों में हैं वे अपने जिद पार्टनर पर ना थोपें। दिन सामान्य है और यदि कोई समस्या है तो बड़ों की मदद जरूर लें। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज के दिन आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, इसलिए किसी भी तरह का कोई निवेश ना करिएगा और बेवजह का तनाव भी ना लीजिएगा, और अपनी जरूरी चीजों का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी परेशान हो सकते हैं, थोड़ा तनाव भी रहेगा और पढ़ाई में भी मन कम ही लगेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब सेहत के मामले में तो दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज आपको वाहन से थोड़ा सावधान रहना होगा, छोटी मोटी चोट लगने के योग दिख रहे हैं, इसलिए आज आप बिल्कुल सचेत रहिएगा, लापरवाही ना करिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप तांबे के बर्तन में पानी में लाल चंदन मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अधिक सक्रिय रहेगा। आज आप बहुत शानदार ऊर्जा के साथ साथ बहुत सकारात्मकता और बहुत प्रसन्नता से भरे रहेंगे। आज आप जीवन के हर क्षेत्र में काफी प्रगति और उन्नति कर सकते हैं। दिन भर दौड़भाग बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास और आपकी उम्मीदें आज चरम पर होंगी। आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपका इरादा अपने नौकरी धंधे के संबंध में अपनी वर्तमान स्थिति में आगे बढ़कर भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का रहेगा। आज आप किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला कर सकते हैं जिनमें आपने अतीत में कभी भाग नहीं लिया है, या आप जिनके बारे में शायद ज्यादा जानते भी नहीं हैं, पर आज आपकी ये योजना सफल हो सकती है। बस थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा। आज आप अपने मन की बातें दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, उनसे आपको मदद मिलेगी। वेतन वृद्धि को लेकर आपके दिमाग में कई तरह के विचार भी आ सकते हैं। ज्यादातर काम पूरे होने से आप खुश हो सकते हैं। जो प्लान करेंगे उसका अच्छा फल भी मिल सकता है। आज आप दूसरों के सामने अपनी योग्यता साबित करने की भी कोशिश कर सकते हैं और इसमें भी आप सफल ही रहेंगे। पिता तथा बुजुर्ग वर्ग से भी आपको लाभ हो सकता है। आर्थिक लाभ और परिवार में आनंद छाया रहेगा। सार्वजनिक मान सम्मान में वृद्धि और गृह जीवन में सुख शांति से आप धन्यता का अनुभव भी करेंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज विपरीत लिंग के लोगों के व्यवहार के कारण आप थोड़ा परेशान होंगे, इसलिए आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करिएगा, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा और साथ ही अपनी उत्तेजना और क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा बेवजह ही कहासुनी भी हो सकती है, इसलिए इन दोनों बातों को लेकर आज आप सतर्क रहिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ में किस्मत का साथ मिल जाएगा। आप किसी तरह का जोखिम भी उठा सकते हैं। पार्टनर के लिए आप ईमानदार भी बने रहेंगे। आज आप अपने पार्टनर के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने में भी सक्षम रहेंगे। आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी ही रहेगी। करियर के नजरिए से बात करें तो अब आज आप कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं तो आप कर लें। कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। नई नौकरी की बात भी दिमाग में चल सकती है। पैसे से जुड़े काम करने का भी दिन अच्छा रहेगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों को भी अच्छी सफलता मिल जाएगी। बस आपको मानसिक तनाव लेने से बचना होगा। ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं। कोई जटिल स्थिति थी तो वह आज सुधर सकती है। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप गाय के घी का दीपक घर में जलाइए, सुख शांति बनी रहेगी। अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, गोचर कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति के कारण आपको सुख मिल सकता है। आज आपके सभी कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आज आप किसी भी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत भी बनना पड़ सकता है। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम भी आज बन सकता है, या फिर अपने घर की समस्याओं को सुलझाने
या अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी काम करना पड़ सकता है। आप किसी काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए भी आज कुछ नया करेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनना पसंद भी करेगा। आपके कामों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और काम की प्रशंसा भी होगी। व्यापार में भी अचानक से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इनकम बढ़ाने के कोई नई सोर्स भी मिलेंगे। कोई पुराना काम काज भी आज निपट जाएगा। कई तरह की जिम्मेदारी में आज आप व्यस्त भी रहेंगे। कानून और पैसों के बारे में ठोस और सकारात्मक बातचीत भी होगी। मकान के नक्शे में किसी तरह का बदलाव का भी योग बन रहा है। संतान से भी सहयोग मिल सकता है। विवाह प्रस्ताव भी आज मिलने के योग दिख रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा और साथ ही आप प्रेम पूर्व संबंधों में भी देवीभूत होंगे। भाई बहनों के साथ भी अच्छी तरह से आपका समय व्यतीत होगा और उनके द्वारा आज आपको लाभ भी मिल सकता है। आपके प्रतिस्पर्धियों की चाल भी आज निष्फल रहेगी। भाग्य वृद्धि के भी पूर्ण योग हैं। कुल मिलाकर आज के दिन आपको सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी। आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आज आप किसी की ज्यादा आलोचना ना करें। जहां तक हो सके किसी के बारे में राय देने से भी आपको बचना चाहिए और साथ ही आप अपनी बात को लेकर और बात कहने के तरीके को लेकर भी उग्र ना होइएगा, अन्यथा बेवजह की टकराव की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आज आप जितना ज्यादा हो सके विनम्र रहें और इन स्थितियों से बचने की कोशिश करें, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता हो सकती है। लव लाइफ के लिए दिन भी अच्छा हो सकता है। अविवाहित भी आज खुश रह सकते हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो अब बिजनेस और नौकरी से जुड़ी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, परंतु आज आप उन्हें बड़ी आसानी से पार भी कर सकते हैं। पुराने निवेश से भी आज आपको फायदा मिल सकता है और खासतौर पर जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा कहा जा सकता है। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने के साथ साथ एकाग्र रहने की जरूरत रहेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आज आपको आलस्य और थकान रहेगा, जिस कारण आप थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस करेंगे। तो इसलिए आज आप समय निकालकर विश्राम करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उम्मीदों से भरा हुआ और सकारात्मक साबित होगा। आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको भाग्यवश कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आप अपने भविष्य को लेकर भी कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। आज लिए गए आपके निर्णय भी सही साबित होंगे। आज आपके दायरे में आपको बार बार पुकारा भी जाएगा और उलझे हुए काम भी सुलझ जाएंगे। सही ढंग से विचार करके ही कोई योजना बनाइएगा। पुराना काम निपटाने के लिए आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। हर काम को ध्यान से जरूर करिएगा। बहुत सारे काम का निपटाने के लिहाज से आपके लिए दिन खास है। लोग आपसे सलाह लेंगे और आप शांत और सौम्य अंदाज से उनकी मदद भी करेंगे। प्रेमी के साथ समय बीतेगा पर किसी काम में आज थोड़ी अधिक भागदौड़ भी होगी। आपके परिवार के किसी सदस्य से आपको लाभ हो सकता है। पारिवारिक या फिर व्यवहारिक कार्य से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। नजदीक के स्थान पर धार्मिक प्रवास का सफल आयोजन हो सकता है। दूर स्थान से शुभ समाचार मिलेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेगा। तन मन से भी आज आप स्वस्थता का ही अनुभव करेंगे। आय में भी वृद्धि के योग हैं। प्रेम प्रसंग के अवसर भी आज सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय भी मनोकूल लाभ देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। आज के ग्रह गोचर के प्रभाव के चलते पुराने मामले और समस्याओं के कारण आज आपका मूड खराब होने के योग दिख रहे हैं। तो इसलिए आज आप ऐसे किसी मामले को ना उठाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही आज आप थोड़े कुंठित भी हो सकते हैं, इसलिए आज आप दूसरों से झगड़े में ना पड़ें, यही आज आपके हित में रहेगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब अपने मन की बातें कहने में आप थोड़े संकोची हो सकते हैं। पुराने प्यार से भी मुलाकात हो सकती है। लव पार्टनर पर खर्चा होगा। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। आप अपने पार्टनर से खुश भी रहेंगे। उनका स्वभाव भी आपको काफी प्रभावित करेगा। करियर के नजरिए से बात करें तो आज आपका करियर में रुका हुआ काम पूरा होगा, पर आज आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ सकती है और आप कुछ गलत बातों और गलत कामों को सही बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
आपका मन भी पढ़ाई में खूब लगेगा। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो आज आपको सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसके प्रति सतर्क रहिएगा। जरूरी हो तो दवा जरूर लीजिएगा और इस बात की आप कोशिश करें कि भीड़ भरी जगहों से आप दूर रहें और ज्यादा सोचें नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप किसी पंडित से दाहिने हाथ में मौली यानी कलावा बंधवाइए और उन्हें कुछ दक्षिणा भी दीजिएगा। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आज के अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव के कारण आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आप अपने उत्साह और आत्मविश्वास के बूते अपने तमाम कार्यों को बहुत सरलता से पूरा कर सकेंगे, जिस कारण आपसे लोग भी काफी प्रभावित रहेंगे। नए लोगों से शुभ काम में आज आपको मदद भी मिल सकती है। ऑफिस में आपके काम की खूब तारीफ होगी, बॉस भी आपसे बेहद खुश रहेंगे। आपको नए कामों की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे पूरा करने के लिए आप आज से ही जुट जाएंगे। सामाजिक कामों में भी आज आपको सफलता मिलने के योग हैं। खास लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे, इसलिए खुद पर नियंत्रण भी रखिएगा। किसी सहकर्मी के साथ मिलकर किए गए कामों में आप सफल भी रहेंगे। आपका ध्यान बार बार अपने साथ काम करने वाले या दोस्त के साथ मिलने वाले कार्यक्रम पर हो सकता है। अधूरे और रुके हुए काम निपटाने के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रह सकता है। गूढ़ और रहस्यमय विद्याएं सीखने में भी आज आपकी रुचि रह सकती है। आध्यात्मिक सिद्धियां मिलने के भी योग हैं। नए कार्यक्रम की शुरुआत के लिए भी आज का दिन काफी शुभ रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कुछ नए और अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। आपके मन की शंकाएं भी आज दूर हो सकती हैं। परिवार और समाज के लोग भी आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। आज की गोचर कुंडली ये भी दर्शा रही है कि किसी पुराने काम को लेकर आपकी उलझने बढ़ने की भी संभावना है, जिस कारण कुछ मामलों में आपका स्वभाव या तरीका गलत भी हो सकता है, जिसे पसंद भी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आज आप अपने काम करने के तरीके में और स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखिएगा और साथ ही लोहे से भी जरा बचकर ही रहिएगा। चोट लगने की भी संभावना दिख रही है। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब लव लाइफ के लिए दिन प्रतिकूल हो सकता है। आपके प्रेम प्रस्ताव भी आज विफल हो सकते हैं। करियर के नजरिए से बात करें तो अब कुछ खास मामलों में आज आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। बिजनेस संबंधित कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। निवेश के लिहाज से भी समय अच्छा ही रहेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। कुछ नया करने में भी आज आपकी रुचि रहेगी। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब नींद की कमी से परेशानी होगी, बदन दर्द भी हो सकता है, तो इसलिए आज आप समय निकालकर थोड़ा आराम भी करिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप ब्राह्मण के पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, आज चंद्रमा आप ही की राशि में है, आपके लिए दिन अच्छा है, धन लाभ के योग हैं, नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों, पैसों की स्थिति में बदलाव के योग बन रहे हैं, लंबे समय से रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है, कामकाज में आपका खूब मन लगेगा, जो भी काम हाथ में है आप उसे पूरा भी कर लेंगे, अपोजिट जेंडर की तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है, समय काफी अच्छा है, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, महिलाएं भी आज बच्चों के साथ कहीं शॉपिंग के लिए जा सकती हैं, आप कोई नई रचना भी कर सकते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे, आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे, किए गए कामों में आपको सफलता हासिल होगी, आपके हाथ से धार्मिक एवं मांगलिक कार्य हो सकते हैं, स्नेहजनों और मित्रों का मिलन भी आपको आनंदित करेगा, आर्थिक लाभ भी हो सकता है, जीवन साथी की तरफ से सुख और आनंद मिलेगा, सुरुचिपूर्ण आपको भोजन भी मिलेगा, समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, खर्चा भी आज आपका बढ़ सकता है। बस आज आपके लिए यही विशेष सलाह रहेगी, आज आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आज के ग्रह गोचर में अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी होगा जिनमें आपके धैर्य शक्ति और सतर्कता की परीक्षा होगी, इसलिए सावधानी से आगे बढ़िएगा और साथ ही बेवजह का कोई जोखिम ना लें, अन्यथा आप उससे परेशान हो सकते हैं। बस इतनी सी बातों का आप ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के नजरिए से बात करें तो अब प्रेम संबंधों के कुछ मामलों को लेकर आपको चिंता हो सकती है, निजी संबंधों पर भारी मामले हावी हो सकते हैं, इसलिए आप प्रेमी से सभी मामले निपटाने की कोशिश करें, वाणी पर संयम रखें
और नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें। यही आज आपके हित में है। करियर के नजरिए से बात करें तो अब वित्तीय लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको लगभग लाभ होगा, बिजनेस भी काफी अच्छा चलेगा, आप बहुत प्रसन्न भी रहेंगे। कुछ खास मामलों पर आपको दुश्मनों पर भी जीत मिल सकती है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में सितारे आपका साथ देंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज विद्यार्थी अच्छी मेहनत करेंगे, पुरानी मेहनत का फल भी आपको मिल सकता है, कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। हेल्थ के नजरिए से बात करें तो अब आपकी सेहत ठीक रहेगी, पुराने रोग खत्म हो सकते हैं। बस आप अपने भोजन पर ध्यान जरूर दीजिएगा, पौष्टिक आहार लीजिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और आज के लिए आपका विशेष उपाय रहेगा, आज आप 10 साल से कम उम्र की कन्याओं के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने हेतु हमारे साथ यूं ही बने रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए प्लीज अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।